मुझे शर्म आती, मुझे इतनी शर्म आती तो आपको पूछने में नहीं आती। सलमान खान से ऐसा क्या पूछा गया कि वो हो गए एम्बैरेस्ड? कौन से सवाल इस दबंग खान को शर्मिंदा कर रहे हैं? यही तो है प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज का आज का सबसे बड़ा अपडेट। देखिए कैसे एक दबंग की तरह आए थे सलमान यहाँ, हाथ में पहना हुआ था बॉक्सिंग ग्लव्स, जैसे मीडिया की तरफ से बचकाने सवाल पूछने वालों को जता रहे हो, हम तुम में इतने पंच करेंगे कि पंक्चर हो जाओगे। और देखिए सलमान ने कैसे किया सवाल पूछने वालों को पंक्चर। अगर ये गिफ्ट करना चाहेंगे तो किसे करेंगे? आगे इंडियन जर्नलिज्म इसके अंदर, किससे बात करते हो, किसको गिफ्ट करना चाहोगे? गिफ्ट से मीडिया को याद आ गया कटरीना कैफ का बर्थडे। कैट्स का ये बर्थडे अब ज्यादा दूर नहीं है, बस अगले ही महीने आने वाला है, 16 जून को। जी हाँ, क्या खास सलमान को प्लानिंग चल रही है? जी पिछले बर्थडे में काफी मजा आया था जी, लंदन में, पिछले 3 साल पहले वाले बर्थडे में काफी मजा आया। 16 तारीख तो सही है, पर जून नहीं जुलाई में आता है कैट्स का बर्थडे। पर इससे पहले कि कोई उन्हें टोक पाता, उन्होंने दे दिया कटरीना के बर्थडे को लेकर एक खतरनाक बयान कि उन्हें तो कटरीना के उसी बर्थडे में सबसे ज्यादा मजा आया था जिसमें हुआ था शाहरुख खान के साथ बवाल। जी पिछले बर्थडे में काफी मजा आया था जी, लंदन में, पिछले 3 साल पहले वाले बर्थडे में काफी मजा आया। इस सवाल का जवाब देने तक खतरनाक मूड में आ चुके थे सलमान। ये वही सलमान है जो अब तक मोबाइल ब्रांड को प्रमोट करने आए थे तो एकदम फन मूड में थे, लेकिन जैसे जैसे बढ़ते गए इस इवेंट में कटरीना और उनके पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए सवाल, सलमान का पारा हाई होता गया। कटरीना के साथ गेम खेलेंगे आप? कटरीना के साथ गेम खेलेंगे इसके ऊपर, हाँ जी खेलेंगे। ये लो कटरीना के साथ फेसबुक पे खेलेंगे, वहाँ पर कुछ और यहाँ पे। इसमें रेसिपी के बारे में भी बताया गया? मुझे शर्म आती, मुझे इतनी शर्म आती तो आपको पूछने में नहीं आती। सलमान खान के गुस्से में आते ही कई बातें अधूरी भी रह गई। उसको अधूरी ही रहने दो। सलमान कौन सी बात पूरी नहीं करना चाहते ये तो नहीं पता, लेकिन अपने इस गुस्से के बावजूद वो जाते जाते माँ बनने जा रही ऐश्वर्या और पूरी बच्चन फैमिली को बधाई देना नहीं भूले। जी दादाजी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, एंड होप के ऐश्वर्या और अभिषेक पूरी क्रिकेट टीम पैदा करें। आईफा फिल्म फेस्टिवल में जहां एक तरफ मलिका ने दिखाए जमकर टैंट्रम्स, तो वहीं अनुष्का शर्मा को लोकल कार्ड लेने में हुई काफी प्रॉब्लम्स। वेल टोरंटो में हो रहे फिल्म फेस्टिवल में और भी कुछ क्या हुआ खास, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। टोरंटो में होने जा रहे आईफा अवार्ड्स में बॉलीवुड स्टार्स का पहुंचना शुरू हो चुका है। स्टार्स यहां से अपने साथ बड़े बड़े बैग्स में काफी कुछ लेकर गए हैं, लेकिन मल्लिका शेरावत अपने बैग्स के साथ साथ अपने दिमाग में भर कर ले गई हैं ढेर सारा एटीट्यूड भी। क्योंकि जैसे इंडियन मीडिया में मल्लिका शेरावत अपनी फिल्मों को जलेबी खिला खिला कर प्रमोट कर रही थी, टोरंटो पहुंचते ही उन्होंने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। खबर आई है कि उन्होंने इंडियन मीडिया को टोरंटो में पहले कई घंटों तक इंतजार करवाया और बाद में उन्होंने इंडियन मीडिया से बात करने से ही मना कर दिया। यही वजह रही कि बाद में मीडिया ने उनका बॉयकॉट कर डाला। मल्लिका शेरावत जब भी विदेश जाती हैं, वो शायद ये भूल जाती हैं कि वो इंडियन हैं। हरियाणा के छोटे से शहर की लड़की मल्लिका शेरावत का बात करने का अंदाज और एक्सेंट तक विदेश जाकर बदल जाता है। मीडिया से बचने की कोशिश तो मल्लिका ने मुंबई एयरपोर्ट से ही शुरू कर दी थी, जब वो बुर्का पहनकर वहां से टोरंटो के लिए रवाना हुई थी और वहां जाकर उन्होंने अपने असली रंग दिखाने भी शुरू कर दिए। लेकिन आईफा में पहुंचे बाकी स्टार्स मल्लिका जैसे नहीं हैं। उन्होंने वहां जाकर मीडिया से खूब बात की, चाहे वो बिपाशा हों। Well, it's been amazing. I was at Brampton. There was a lot of love from the Canadians. And now I'm here. Went out for a dinner, shopping, preparing for the performance. Yeah, it's been great. या फिर दूसरे स्टार्स। It's a great achievement that, you know, the celebrations of Indian film industry
is slowly, slowly moving forward. Excellent. I'm feeling lovely. It's my first time to Canada, and I'm really glad that IFA is happening here this year. Well, I feel great, as elated as any other North American Indian does. यहाँ तक कि माइकल जैक्सन के भाई जमाइन जैक्सन ने भी इंडियन मीडिया से बात की. IFA, being a big fan of all the stars and the movies and the dance and the excitement. लेकिन जब लोग मल्लिका से ये पूछ रहे थे कि वो कौन से देश से आई हैं, तो जलेबी बाई ने उन्हें ये बताना मुनासिब नहीं समझा कि वो इंडिया से आई हैं। शाहरुख खान पढ़ सकते हैं कोर्ट कचहरी के केस में, क्योंकि शाहरुख जिस मैनेजमेंट कॉलेज को प्रमोट करते हैं उस कॉलेज पर किया गया है केस, और कोर्ट ने पूछा है कि शाहरुख का कॉलेज से क्या कनेक्शन है। शाहरुख खान को कोर्ट के सामने पेश होना पड़ सकता है, क्योंकि शाहरुख खान जिस मैनेजमेंट कॉलेज को प्रमोट करते हैं उस कॉलेज के अगेंस्ट कुछ स्टूडेंट्स ने केस कर दिया है, और कर्नाटका हाई कोर्ट ने स्टूडेंट्स की इस पिटीशन को सुनते हुए मैनेजमेंट कॉलेज के अगेंस्ट नोटिस जारी किया है। दरअसल हुआ यूं कि शाहरुख जिस मैनेजमेंट कॉलेज को प्रमोट करते हैं कुछ स्टूडेंट्स ने उस कॉलेज को या तो क्लोज करने की या फिर डी रिकॉग्नाइज करने की पिटीशन डाली है। स्टूडेंट्स का कहना है कि जब वो शाहरुख खान को इस मैनेजमेंट कॉलेज के लिए प्रमोशन करते हुए देखते हैं तो इसे एक अच्छा कॉलेज मानकर एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन बाद में कुछ और ही सामने आता है। वेल, इसके जवाब में कर्नाटका हाई कोर्ट ने कॉलेज मैनेजमेंट से पूछा है कि उनके कॉलेज का शाहरुख खान से क्या संबंध है, क्या शाहरुख ने एज ए ब्रांड एम्बेसडर कॉलेज के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। जज यही नहीं रुके, सुनवाई में जज ने यह भी कहा कि क्या शाहरुख खान जैसे स्टार को इस तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को प्रमोट करना अलाउड है, जैसे कि वो किसी दूसरे प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। वेल, कर्नाटका कोर्ट के इन सवालों का फिलहाल कोई जवाब नहीं दिया गया है, और अब ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि शाहरुख खान को अपनी सफाई देने के लिए कोर्ट में पेश होना पड़ सकता है। आमिर खान बन गए हैं आइटम बॉय, क्योंकि न्यूज आई है कि जब आमिर को फिल्म डेली बेली के लिए कोई परफेक्ट आइटम गर्ल नहीं मिली तो मिस्टर परफेक्शनिस्ट ने खुद ही कर लिया आइटम नंबर। यहाँ तो डीके बोस पर इमरान खान गा रहे हैं, लेकिन इस फिल्म में अगर आमिर खान डांस मूव्स करते आपको नजर आए तो हैरान मत होइएगा, क्योंकि न्यूज आई है कि आमिर ने चुपचाप फिल्म डेली बेली के लिए एक गाना शूट किया है जिसमें वो खुद बने हैं आइटम बॉय। दरअसल आमिर चाहते थे कि फिल्म में एक आइटम नंबर हो, और इसके लिए वो मलिका, कटरीना और दीपिका में से किसी एक को चूज करने वाले थे। वेल, इन तीनों में कटरीना का नाम सबसे ऊपर था। वजह, इमरान खान की ख्वाहिश कि फिल्म में आइटम नंबर कटरीना करें। इमरान ने तो ये भी बताया था कि वो कटरीना से ही आइटम नंबर क्यों करवाना चाहते हैं। Why कटरीना? Because of her जवानी है। और कटरीना ने भी हाँ कर दी थी आइटम नंबर के लिए अगर इमरान और आमिर में कोई भी उन्हें बोल दे तो। Definitely, if Amir asked me to do an item song, I will definitely do it for him. Imran, Imran also asked me to do an item song, I'll also do it for him. लेकिन जूम को सोर्सेस से पता चला था आमिर ने कटरीना को आइटम नंबर के लिए रिजेक्ट कर दिया। वेल, वजह सलमान खान थी या फिर मिस्टर परफेक्शनिस्ट का परफेक्शन, ये तो नहीं पता। लेकिन हाँ, आमिर को कटरीना में वो बात नजर नहीं आई जो उन्हें इस आइटम नंबर के लिए चाहिए थी। शायद इसीलिए सारी आइटम गर्ल्स को साइड करके वो खुद बन गए हैं आइटम बॉय। और अकॉर्डिंग टू सोर्सेस उन्होंने खुद हाई सिक्योरिटी में अभिनव देव और कोरियोग्राफर बॉस्को के साथ सॉन्ग शूट भी कर लिया है। तो जनाब, अब आप हो जाइए तैयार एक बार फिर से आमिर के डांस मूव्स देखने के लिए, क्योंकि जल्द ही ये सॉन्ग मीडिया में भी आ ही जाएगा। सात खून माफ के फेल हो जाने पर विशाल भारद्वाज ने प्रियंका चोपड़ा को फिल्म टू स्टेट्स में लेने से मना कर दिया था, लेकिन अब शाहरुख इंसिस्ट कर रहे हैं कि फिल्म में प्रियंका को ही लिया जाए। अभी मीडिया में कमीने के सीक्वल से प्रियंका को आउट करने की खबर पुरानी भी नहीं हुई थी कि मीडिया के गॉसिप बाजार में आ गई विशाल भारद्वाज और प्रियंका चोपड़ा से रिलेटेड एक और खबर। और खबर ये है कि शायद विशाल भारद्वाज फिल्म टू स्टेट्स में प्रियंका चोपड़ा को साइन कर लें, क्योंकि अब शाहरुख उन्हें कर रहे हैं इंसिस्ट कि फिल्म में उनके ऑपोजिट प्रियंका चोपड़ा को ही लिया जाए। दरअसल फिल्म टू स्टेट्स के लिए पहले प्रियंका चोपड़ा और शाहरुख खान को ही कंसिडर किया गया था, लेकिन जैसे ही फिल्म साफ खून माफ बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फेल हुई, विशाल भारद्वाज ने अपना डिसीजन बदल दिया। उन्होंने फिल्म में शाहरुख खान को तो रखा, लेकिन हाँ, प्रियंका चोपड़ा को आउट कर दिया, और मीडिया में ये वजह बताई कि फिल्म के लिए उन्हें एक साउथ इंडियन गर्ल चाहिए जिसका साउथ इंडियन एक्सेंट ही हो, और इसीलिए वो एक फ्रेश फेस को खोज रहे हैं। विशाल भारद्वाज ने प्रियंका को ना लेने की वजह प्रियंका का पंजाबी एक्सेंट बताया, लेकिन रूमर्स तो कुछ और ही कह रहे थे। रूमर्स की माने तो सात खून माफ के फ्लॉप होने के बाद विशाल और प्रियंका की बॉन्डिंग भी फ्लॉप हो गई, और उन्होंने प्रियंका के साथ आगे काम ना करने का मन बना लिया। शायद इसीलिए कमीने के सीक्वल में भी विशाल ने प्रियंका को कंसिडर नहीं किया, लेकिन फिल्म टू स्टेट्स में
शायद विशाल भरद्वाज को प्रियंका को ही लेना पड़ेगा, क्योंकि जूम को लेटेस्ट न्यूज मिली है कि शाहरुख खान विशाल भरद्वाज को इंसिस्ट कर रहे हैं कि फिल्म में उनके ऑपोजिट प्रियंका चोपड़ा को ही लिया जाए। वैसे आजकल शाहरुख और प्रियंका की दोस्ती की खबरें भी मीडिया में हेडलाइंस बना रही हैं। ऐसे में शाहरुख का प्रियंका को रोल दिलवाना उनकी दोस्ती की खबरों पर मोहर लगा देता है। ऐश्वर्या राय बच्चन प्रेग्नेंट हैं और इस गुड न्यूज ने पूरे बॉलीवुड में हलचल मचा दी है। जहां सलमान और शाहरुख ने कपल और मिस्टर बच्चन को किया कंग्रेचुलेट, तो वहीं इस खबर से ऐश्वर्या की फिल्म हीरोइन आ गई है ट्रबल में। ऐश्वर्या राय बच्चन की प्रेगनेंसी की खबर से बॉलीवुड में क्या क्या हलचल मची, ये सब हम आपको प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की इस स्टोरी में बताने जा रहे हैं। वेल, सबसे हैरान कर देने वाली खबर तो ये है कि सलमान खान ने ऐश्वर्या और अभिषेक को विश किया ये कहकर। दादाजी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ एंड होप के ऐश्वर्या अभिषेक पूरी क्रिकेट टीम पैदा करें। जहाँ सलमान खान ने मीडिया के सामने बधाई दी, तो वहीं शाहरुख खान ने सोशल नेटवर्किंग साइट पर कुछ ये कहकर, सर मुबारक हो, फिर से दादा हो गया हम सब का बाप, कांग्रेचुलेशन सर एंड ऑल लव फॉर द ब्यूटीफुल कपल। वेल, यहाँ शाहरुख ने फिर से दादा बनने की बात कही तो अमिताभ को क्लैरिफाई करना पड़ा कि वो पहली बार दादा बन रहे हैं। थैंक यू शाहरुख, लव एंड ब्लेसिंग नीडेड, दादा पहली बार होगा, नाना तो बन चुका हूँ। वेल, ये तो थी बधाई की बात, लेकिन इसके अलावा ऐश्वर्या राय बच्चन की प्रेगनेंसी उनकी अपकमिंग फिल्म्स को लेकर भी चर्चा में है। खबरों की माने तो मधुर भंडारकर ने ऐश्वर्या के साथ फिल्म हीरोइन की शूटिंग शुरू कर दी थी, लेकिन अब वो आगे शूट नहीं कर पाएंगे क्योंकि फिल्म के लिए ऐश्वर्या को स्लिम होना है और कई डांस मूव भी करने हैं जो अब पॉसिबल नहीं है। वेल, जूम को सोर्सेज से पता चला है कि मधुर भंडारकर ने प्रोड्यूसर्स के साथ मीटिंग रखकर फिल्म को फिलहाल होल्ड पर रख दिया है। वेल, फिल्म हीरोइन तो फिलहाल होल्ड पर चली गई, लेकिन हाँ, बच्चन फैमिली का सेलिब्रेशन जम कर चल रहा है। हो भी क्यों ना, आखिर इतने सालों बाद बिग बी की दादा बनने की मुराद जो पूरी हो रही है। मान्यता दत्त नाराज है अपने हस्बैंड संजय दत्त से, और नाराजगी की वजह ये है कि संजय ने रिसेंटली मलिका शेरावत के बिकिनी लुक पर किया था कॉमेंट। संजय दत्त और मान्यता दत्त में वैसे तो कभी कोई लड़ाई या फिर अनबन नहीं होती, लेकिन आजकल मान्यता संजय से थोड़ी नाराज है। और वजह यह है कि संजय अपनी फिल्म डबल धमाल की को स्टार मलिका शेरावत को दे रहे हैं नंबर्स उनके बिकिनी एक्ट के लिए। दरअसल हुआ यूं कि मलिका शेरावत ने फिल्म डबल धमाल में किया एक सिजलिंग बिकिनी सीन, तो हमने उनसे पूछ लिया कि आखिर मलिका के इस सिजलिंग बिकिनी लुक को वो कितने नंबर्स देंगे। You've seen so many women donning bikini. I think Malika does it again here. So, would you give her like a 10 on 10 for that? Yeah, about 7. सही सुना आपने, संजय दत्त ने मलिका शेरावत को 7 नंबर्स दिए आउट ऑफ 10। और बस यही बात पसंद नहीं आई मान्यता दत्त को। अब मान्यता इस बात से खफा है कि मलिका को कम मार्क्स दिए, या फिर इस बात से कि उनके हस्बैंड दूसरी हॉट गर्ल्स की बिकिनी को जज कर रहे हैं। वेल, ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हाँ, इतना जरूर बता सकते हैं कि बिकिनी का बवाल मीडिया में थमने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि पहले इस बिकिनी पिक्चर को लेकर ही संजय दत्त डायरेक्टर इंद्र कुमार को ब्लैकमेल करते थे। फिर इस बिकिनी सीन को फिल्म से ही उड़ा दिया गया, क्योंकि ये इतना हॉट था कि सेंसर बोर्ड को इससे हो सकती थी प्रॉब्लम। और अब इस बिकिनी सीन को जज करने की वजह से मान्यता हो गई है संजू से नाराज। जो भी कहो, लेकिन जनाब जलेबी बाई की ये बिकिनी मीडिया के लिए आजकल हॉट टॉपिक जरूर बन गई है। और अब हम आपको देते हैं फिल्म आरक्षण के सेट की एक मजेदार खबर, और खबर ये है कि फिल्म के एक सीन में दीपिका की बढ़ती उम्र प्रकाश झा के लिए बन गई आफत। दीपिका आपको हसीन नजर आती हैं, दीपिका आपको जवान नजर आती हैं, लेकिन ये हसीन और जवान हीरोइन उस समय एज्ड नजर आने लगी जब इन्हें कॉलेज की गर्ल्स के साथ शूट करना पड़ा। दरअसल हुआ यूं कि प्रकाश झा को एक सीन शूट करना था जिसमें दीपिका को कॉलेज गर्ल्स के साथ बैठना था। प्रकाश झा ने दीपिका को ओरिजिनल कॉलेज गर्ल्स के साथ बैठाया, लेकिन ये क्या, दीपिका उन कॉलेज गर्ल्स के सामने काफी एज्ड नजर आईं। इसीलिए प्रकाश झा को शूट कैंसिल करना पड़ा और एक्स्ट्रास बुलाने पड़े जिनके साथ दीपिका एटलीस्ट कॉलेज गर्ल नजर आ सके। वी वंडर दीपिका का इस खबर पर क्या रिएक्शन होगा। आमिर खान का रीमा काकती की फिल्म में कॉप का रोल है, ये तो हमने आपको बताया था, लेकिन करीना कपूर का क्या रोल है, लेट्स सी इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। रीमा काकती की फिल्म के लिए आमिर खान बने हैं एक पुलिस इंस्पेक्टर, ये तो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज ने आपको सबसे पहले बताया था। और इस फिल्म के फर्स्ट ऑन लोकेशन विजुअल्स भी हमने ही आपको सबसे पहले दिखाए थे। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि फिल्म में करीना का क्या रोल होगा।
जूम को क्लोज सोर्सेज से पता चला है कि फिल्म में करीना कपूर एक घोस्ट का रोल करने जा रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, करीना कपूर बनेंगी फिल्म में एक भूत। वेल, फिलहाल फिल्म की शूटिंग दार्जिलिंग में चल रही है, जहां आमिर खान और रानी मुखर्जी शूट कर रहे हैं, और करीना भी उन्हें बहुत जल्द ही ज्वाइन करने वाली हैं। फिल्म डेली बेली का उड़ाया जा रहा है मजाक, क्योंकि एक बटर ब्रांड ने फिल्म के गाने डीके बोस का मजाक उड़ाते हुए बनाया है एक एड। हाथ में गिटार लिए ये हैं इमरान खान और उनके साथ है फिल्म डेली वैली की फुल स्टार कास्ट। वेल, आप कहेंगे कि ये कार्टून पिक्चर हम आपको क्यों दिखा रहे हैं। दरअसल ये है एक बटर ब्रांड का नया एडवर्टाइजमेंट, जिसमें इमरान खान और उनकी फिल्म डेली वैली का उड़ाया गया है मजाक। वैसे इस बटर ब्रांड ने रिसेंटली मिनीशा लांबा के एयरपोर्ट इंसिडेंट का भी मजाक उड़ाया था, जिसमे मिनीशा लांबा को एयरपोर्ट अथॉरिटीज के सामने ज्वेलरीज दिखाते हुए दिखाया गया था। और तो और, इस एड में लिखा था लांबा वेट एट एयरपोर्ट। वेल, इन एड्स को देखकर लगता है कि अब एड वर्ल्ड भी बॉलीवुड की कंट्रोवर्सीज को कैश करने लगा है। सलमान खान पेंटिंग करते हैं, ये तो आप सभी को पता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शाहरुख इज आल्सो अ पेंटर। सलमान खान के पेंटिंग का पैशन तो सब जानते हैं, आमिर खान को भी नया नया पेंटिंग का शौक हुआ है, ये भी सबको पता है। बट वेरी फ्यू पीपल नो दैट द थर्ड खान ऑफ द इंडस्ट्री शाहरुख खान भी पेंटिंग में अपना हाथ आजमा चुके हैं। यस, शाहरुख के क्लोज सोर्सेज की माने तो शाहरुख खान भी लाइफ में एक पेंटिंग बना चुके हैं। द सोर्स रिवील टू जूम दैट शाहरुख खान ने ये पेंटिंग बनाई थी एम एफ हुसैन के साथ। जी हाँ, शाहरुख एम एफ हुसैन के काफी क्लोज आ गए थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अशोका, एंड एक बार शाहरुख ने एम एफ हुसैन के साथ मिलकर एक पेंटिंग भी बनाई थी। द सोर्स सेड दैट शाहरुख कन्फाइडेड इन हिम दैट ही वाज वेरी स्कैर्ड व्हाइल डूइंग दैट। उन्हें डर था कि कहीं वो पेंटिंग ना स्पॉइल कर दे, एंड वंस द पेंटिंग वाज डन ही आस्क्ड मिस्टर हुसैन टू गिव हिम द पेंट ब्रश व्हिच ही यूज्ड इन द पेंटिंग एंड नॉट द पेंटिंग इटसेल्फ। नाउ वी शो यू द लेटेस्ट पिक्स फ्रॉम बी टाउन। बॉलीवुड की गलियों से छिपते छिपाते हम एक बार फिर हाजिर है लेटेस्ट पिक्चर्स फ्रॉम बी टाउन लेकर। सो हियर वी गो, शुरुआत करते हैं इन पिक्चर्स के साथ। गेस कीजिए कौन सी है ये हीरोइन। नहीं गेस कर पाए, चलिए कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। ये है मलिका शरावत, जो टोरंटो में स्पॉट की गई बुर्का पहने हुए। वेल, मलिका को लगा होगा कि कहीं भीड़ उन्हें घेर ना ले, इसीलिए उन्होंने अपने आप को बुर्के में छुपा लिया। वेल, मलिका, आपको तो कोई इंडिया में भी मॉब नहीं करता, तो टोरंटो में कौन करेगा। एनीवे, बढ़ते हैं आगे और आपको दिखाते हैं सलमान खान की ये लेटेस्ट तस्वीर। इस तस्वीर में सलमान खान चिल्लर पार्टी की स्टार कास्ट के साथ हैं, एंड एज यूजुअल इसमें सलमान ने बच्चों के साथ उतार दी है अपनी भी शर्ट। वेल, इसके साथ साथ हम आपके लिए सलमान की ये लेटेस्ट पिक्चर भी लाए हैं, जो है फिल्म बॉडीगार्ड के सेट की। और जाते जाते हम आपको छोड़ जाते हैं संजू बाबा की इस तस्वीर के साथ। ये संजय दत्त का फिल्म अग्निपथ के लुक का लेटेस्ट पिक्चर है। आज के लिए इतना ही, बट फॉर ऑल द लेटेस्ट पिक्चर्स फ्रॉम बी टाउन, कीप वॉचिंग प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज़ एवरीडे एट 7 PM।